अरे तुम कौन हो और मेरे घर में ये क्या कर रही हो? अरे सर, जो आपके घर में लेडीज काम करती है ना, मैं उनकी बेटी हूँ। दरअसल उनकी तबीयत खराब है, इसलिए उनकी जगह पे काम करने मैं आई हूँ। तो मम्मी फोन कर देती, बता देती तबीयत खराब है, मैं उन्हें छुट्टी दे देता। अरे सर, आपको मेरी मम्मी का नेचर नहीं जानते। उनका नेचर ऐसा है, वो जिन जिन के घर काम करते हैं ना, अगर एक दिन भी उनके घर के काम ना हुए तो वो परेशान होने लगती है। तो कोई बात नहीं, एक आध दिन अगर पहुंचा नहीं लगेगा तो क्या होगा, दूसरे दिन लग जाएगा, आराम करना जरूरी है ना। अरे वो बात तो ठीक है, पर मम्मी की तबीयत ना थोड़ी ज्यादा ही खराब है, हो सकता है उन्हें 5-6 दिन लग जाए, इसलिए उनकी जगह पे मैं काम करूंगी। चलो कोई बात नहीं, अच्छा जब काम निबट जाए ना तो बता देना, मैं तनख्वाह दे दूंगा आंटी जी। सर सारा काम हो गया। ठीक है ये लो। सर एक बात कहूँ, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? अगर आप बुरा ना मानो, मुझे ना कपड़े बदलने हैं और दूसरी जगह काम पर जाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछने वाली क्या बात है। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। अरे ये तुमने कैसे कपड़े डाल लिए? सर ऑफिस जाने के लिए। ऑफिस मतलब क्या है, मतलब मैं समझा नहीं कुछ। सर मैं MNC कंपनी में काम करती हूँ। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हो? हाँ जी सर, HR डिपार्टमेंट में। फिर तुम अपनी मम्मी को ये काम क्यों करने देती हो? सर दरअसल मेरी नौकरी को लगे भी 1 हफ्ता हुआ है, और सर आपको तो पता है कि 1 महीने से पहले कोई सैलरी नहीं देता है, इसलिए मैं मम्मी की जगह पे यहाँ काम कर रही हूँ। और जैसे मेरी सैलरी मिल जाएगी ना, मैं अपनी मम्मी को कहीं काम नहीं करने दूंगी। उन्होंने ये काम करके तो मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मम्मी की वजह से हूँ। बस कुछ दिन की बात हो रहा है, फिर मैं अपनी मम्मी को कहीं काम नहीं करने दूंगी। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हो, तुम्हें ये काम करते शर्म नहीं आती? शर्म? सर शर्म कैसी, मेरे हिसाब से कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और इस काम से मैं क्या शर्म करूँ, यही काम करके तो मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी काम की वजह से हूँ, तो इसे करने में मुझे शर्म नहीं आती। वाकई में तुम्हारी माँ खुशकिस्मत है जो तुम्हारी जैसी बेटी मिली और अपनी माँ का इतना ख्याल करती है, वरना आजकल के ज़माने में बेटे भी इतना ख्याल नहीं करते अपने माँ बाप का। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है सर, मैं चलती हूँ।